प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया सबको मेरा नमस्कार। मैंने दिनांक 24 जनवरी 2024 को 26 जनवरी के दो दिन पहले माननीय मुख्यमंत्री जी को महोदय को पत्र लिखा। मैं पहले बीजेपी में एमएलए था तो मेरे बहुत सारे दोस्त एमएलए, तो हम लोग आपस में बात करते रहते हमारा, उन्होंने हमको फ़ोन करते रहते थे कि आपसे प्रस्ताव मांगा क्या आपने अपना वाला प्रस्ताव दे दिया। तो हमने कहा कौन सा प्रस्ताव, हम लोग कोई सोचा नहीं। हमने अपने नेता प्रतिपक्ष को फ़ोन किया, उन्होंने बोला कोई सोचा नहीं। हमने अपने कांग्रेस के कम से कम 20 विधायकों को फ़ोन किया, उन्होंने बोला कोई सोचा नहीं। मेरे दिमाग में आया कि कल ये कह देंगे कि आपने जमा ही नहीं किया। तो हमने अपने पुराने बीजेपी के विधायक मित्रों से पूछा तो उन्होंने बोला कमल सोलंकी करके एक डीएस डिप्टी सेक्रेटरी, वो सीएम के विहार में फ़ोन कर रहे हैं कि 15-15 करोड़ रुपए के कार्य आप लोग प्रस्ताव दे दें जो भी आपका मन। तो मैंने तुरंत क्या किया कि उनकी समय सीमा जो थी इतनी तारीख तक दे दे, उसके अंदर 26 जनवरी के पूर्व उन्होंने लिखा था। मैंने 24 जनवरी 2024 को एक पत्र लिखा, विषय लिखा आगामी विधानसभा सत्र फरवरी 2024 के अनुपूरक बजट में सिमरिया विधानसभा क्षेत्र के विकास कार्यों को संलग्न सूची अनुसार बजट में स्वीकृत। फिर मैंने लिखा आपकी योग्यता पर मुझे संदेह नहीं, किंतु कार्य प्रणाली पद की गरिमा के अनुरूप नहीं, ये बड़ी बात। फिर हमने लिखा प्रथम विधानसभा सत्र के दौरान आपने जब अपनी ओथ ली थी तो आपने ओथ में ये लिखा था कि बिना भेदभाव बिना पक्ष विपक्ष जनहित में हम किसी बिना राग द्वेष के काम करेंगे। इसके बाद जब आपने पहली बार अपना भाषण दिया सदन में, अभी जो पहला वो हुआ था, उसमें आपने कहा था कि दलगत भावना से ऊपर उठकर हम पक्ष और विपक्ष मिलकर प्रदेश के हित में काम करेंगे। लेकिन ये जो आपका ये, फिर इसमें मैंने लिखा हमने इसमें ये लिखा कि आप मध्य प्रदेश के 6.5 करोड़ जनता के प्रतिनिधि हैं और पूरा मध्य प्रदेश आपकी ओर बहुमुखी विकास को लेकर देख रहा है, केंद्रित है। जहां भारतीय जनता पार्टी को हार का भी सामना करना पड़ा, वहां दूसरे दल के प्रत्याशी निर्वाचित हुए तो भाजपा को लगभग बराबर मत मिले, कहीं 2-4-5 हज़ार वोट से भाजपा हार गई। फिर मैंने लिखा कि आप 230 में से 230 तो नहीं जीत सकते, 10-20-30 तो हारी हैं, मैंने छूटेंगी। आप ऐसा क्यों मानते हैं कि लोकतंत्र में 100 में 100। फिर हम इसमें लिखते हैं कि मुझे दूरभाष द्वारा मिस्टर सोलंकी की ये जानकारी हुई और मैं मिस्टर सोलंकी से मिलने गया तो वो लेने को तैयार नहीं थे मेरे पीए से, तो मुझे जाना पड़ा। तब उन्होंने मुझे पावती दी और मैंने पूरे TSAS के साथ आपके यहाँ जमा करा दिए, जिला पंचायत में कॉपी जमा करा दी, कलेक्ट्रेट में जमा करा दी। और यह संभव नहीं है कि ये बिना आपके निर्देश के अनुसार हो, क्योंकि ये सब काम आपके मुख्यमंत्री सचिवालय से संचालित हो रहा है। इससे आपकी संकीर्णता स्पष्ट नज़र आ रही है कि आप कितना छोटा सोच रहे हैं, इससे मध्य प्रदेश का भला क्या। कृपया करके सभी विधायकों को बराबर से उनका वो करें और मैंने प्रस्ताव रखा वो करें। मैंने उनको पत्र दे दिया, उसका उत्तर ये है, देखिए आप, परसों मेरे मेल में आया, परसों मेरे व्हाट्सएप में भी आया, मैसेज में आया। और ये 31 क्या है, ये 31 जनवरी 2023 की डेट पे ये डिस्पैच करके ये इनके कार्यालय से राजेश कुमार सिंह विशेष कर्तव्य अधिकारी मुख्यमंत्री OSD ने पत्र लिखा। ये मेरा पत्र है जिसमें मैंने लिखा, फिर ये मेरे कामों की सूची है, ये लिखा। ये तो क्लियर है ना कि इनको मिल गया। 2024 अब जब ये सप्लीमेंट्री बजट आया तो उसमें किसी भी विधायकों के कांग्रेस के शामिल नहीं। जब सप्लीमेंट्री बजट में मैं आपके पास मेरी स्पीच है, इसमें देख लीजिएगा,
मैंने कल अपनी स्पीच दी तो मैंने दिया स्पीच में कि 20 वर्षों से एक ही पार्टी की सरकार है, 18 वर्ष से एक ही व्यक्ति मुख्यमंत्री हैं। आज भी लक्ष्मी लाडली की, जो नई लक्ष्मी लाडली पैदा हुई, वो भी मजदूरी कर रही, रोजगार के आपने अवसर नहीं किया, पैदा किए। राज्यपाल महोदय ने अभिभाषण में भी कहा है, मैं भी कह रहा हूँ, भारत गांधी के सपनों का देश है। यहाँ की 70-75% आबादी, 80% आबादी गाँवों में विकास करती है। जब तक हम गाँवों को मजबूत नहीं करेंगे, किसान को मजबूत नहीं करेंगे, उनकी बिजनेस साइकिल नहीं बनाएंगे, तब तक देश नहीं बदलने वाला। जैसे अभी हम गेहूं और चावल बो देते हैं, भगवान की ओर देखते हैं, आपने नहरें भी दे दी, थोड़ा उत्पादन भी बढ़ा, फिर हम उपार्जन केंद्रों का चक्कर लगा रहे हैं, गेहूँ बेच रहे, बस यहीं तक ना सीमित है खेती। कोई किसान बड़े मुश्किल से बच्चे को पढ़ा पा रहा है, बच्ची की शादी करना है तो 1-2 डिसमिल जमीन बेच पा रहा है, नरसिंहपुर, कुछ इंदौर का बेल्ट, रतलाम, कुछ ऐसी जगह हैं, कुछ छिंदवाड़ा, जहाँ का किसान संपन्न है। क्यों है? क्योंकि वहाँ शुगर मिल है तो गन्ने का अच्छी कीमत पा रहा है, कहीं मक्के की स्टार्च इंडस्ट्री है तो वहाँ अच्छी कीमत पा रहा है, कहीं आलू के चिप्स बन रहे हैं तो वहाँ वो एक आलू 20 पैसे का बेच रहा है और 20 पैसे के एक आलू से एक पैकेट चिप्स 12 रुपए की बिक रही। वैल्यू एडिशन करने वाला आदमी अच्छा कमा रहा है, किसान कुछ नहीं कमा रहा। अगर कोई किसान स्मॉल स्केल इंडस्ट्री लगाना चाहे तो कम से कम उसको 33 kV लाइन का कनेक्शन लेना पड़ेगा, और फैक्ट्री जमते जमते साल भर लगी जाते हैं तो उसका एग्रीमेंट है कि कम से कम आपको 27 लाख रुपये का बिल देना ही हो। हम जैसे लोग तो दे लेंगे, एक आम किसान 6-8 महीना खड़े होते होते उसका प्रोडक्शन नहीं आएगा और 27 लाख का बिल देगा, टूट जाएगा। आपको कम से कम उसमें 50% सब्सिडी देना चाहिए, मंडी टैक्स देना चाहिए। इधर आपने कभी ध्यान नहीं दिया, आपने वही चिल्लर बांटो, योजनाओं के नाम पर एक तरह से लोगों को घुमा के नगद पैसा दो, और वोट लेने में आप सक्षम हैं, आप चुनाव भी जीत रहे हैं, और विपक्ष हमारा, हम मानते हैं कि कमज़ोर स्थिति में हैं हम, आप सफल हैं। आपके पास पूरी संभावना थी कि अगर आपकी नीति अच्छी होती और नियत अच्छी होती तो आज प्रदेश का हाल कुछ और जाता। फिर मैं इनको ये सब बातें मैं लिखा, फिर हमने कल भाषण में बोला है कि माननीय मुख्यमंत्री जी, आप नए नए मुख्यमंत्री बने हैं, आपकी ओर हम बड़े लोग बड़ी आशा से देख रहे हैं, आप कुश्ती में चैंपियन, मुक्केबाजी में गोल्ड मेडलिस्ट, तलवारबाजी में एक नंबर, और आप देश के नामी गिरामी पहलवान हैं, और पहलवान की तीक्ष्ण बुद्धि, और फिर आप यादव, आपकी बुद्धि के, इस बुद्धि के रहते अगर प्रदेश विकास नहीं करेगा तो कब करेगा। हमको पूरी उम्मीद है, दिख रहा है कि आपका जो ये तीक्ष्ण बुद्धि है और जो आपका एकदम निर्मल मन है, इससे जरूर प्रदेश विकास करेगा। कल मैंने इस बीच में बोला आपके कैसे, एक ये बात थी। हमने दूसरा काम ये किया था, एक आपके वीडियो में होगा, जब नीलम मिश्रा विधायक थी उस समय इंटर स्टेट कनेक्टिविटी को लेकर के केंद्र सरकार की एक योजना थी, केंद्र सरकार की योजना आई थी कि एक राज्य से दूसरे राज्यों को जोड़ने की। इसमें ये देखिए, मैंने निकाला है फेसबुक से कल ही माननीय गणेश सिंह जी का, इसको आप लोग फोटो खींच लीजिए, पढ़िए। खींचा सब लोगों ने, खींचा, इसको मैंने सदन में रखा, सदन में रखा, सदन में मैंने कहा कि इसमें लिखा है, गणेश सिंह जी अपने फेसबुक आईडी से लिखते हैं, सतना से इलाहाबाद के लिए नया राष्ट्रीय राजमार्ग बनेगा, माननीय भूतल परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी ने कई राष्ट्रीय राजमार्गों की स्वीकृति दी है, दमोह से हटा अमानगंज जसो नागौर सतना बाया सेमरिया जबा सूती शंकरगढ़ इलाहाबाद राष्ट्रीय राजमार्ग की स्वीकृति प्रदान कर दी गई। इसी तरह अयोध्या से चित्रकूट जो नया राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित हुआ उसे मैंने
चित्रकूट से सतना तक बढ़ाए जाने का प्रस्ताव दिया था, जिसकी स्वीकृति मिल चुकी है। इन सभी के टेंडर भी जारी हो चुके हैं। क्या गणेश सिंह जी झूठ बोलते हैं? अगर ये ऐसा नहीं है तो इसका मतलब वो झूठ बोल रहे हैं। अभी सतना जिले में दो राष्ट्रीय राजमार्ग, पहला NH-7 बेला चुके ही, दूसरा NH-75 बेला से बमीठा, ये कम्प्लीट हो गया। इसके अलावा राष्ट्रीय राजमार्ग सतना जिले को एक नई सौगात मिल गई है, इसका काम जल्द ही शुरू होने वाला है। ये कब की बात है? जब नीलम मिश्रा विधायक थी और फिर वो चुनाव नहीं लड़ी, सांसद जी इसी इन्हीं सब घोषणाओं में चुनाव जीते। हमसे पूर्व विधायक KP त्रिपाठी जी को भी इन सब का लाभ मिला, 5 साल में कोई कोशिश नहीं हुई। कल मैंने लगाया था, मैंने इसको विभागीय प्रस्ताव के तहत, मुझे मालूम था, मैंने इस चीज़ को आगे बढ़ाकर लगभग मंजूर करा लिया था, क्योंकि इसमें स्टेट गवर्नमेंट का पैसा नहीं था, NHAI का था। मैंने अपना लेटर लिखा था और उसमें NHAI विभाग ने इनसे जानकारी, स्टेट गवर्नमेंट को पत्राचार करते हैं, इनकी जानकारी में आया होगा। तो मुझे लगता है माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय माननीय शुक्ला जी, हालांकि एवं अधिकार बताएं जो अभी तक मुझे प्राप्त नहीं हुआ, हमें लगता है कि उन्होंने इसमें आपत्ति दर्ज की और ये काम हमारा रोका गया। जैसे ही रोका गया वैसे ही मैंने एक अशासकीय संकल्प होता है कि यदि राज्य सरकार अक्षम है, उसके पावर में नहीं है वो विभाग जो केंद्र सरकार संबंधित है, एक अशासकीय संकल्प मैंने लगाया, उसको स्वीकार कर लिया गया। इसमें 3 अशासकीय संकल्प स्वीकार हुए थे, 2 भाजपा वालों ने लगाए थे, 1 हमारे। हमें ऐसा लगता है 2 भाजपा वालों के किसी योजना के तहत अलग किए गए, मुझे बस अवसर दिया गया, क्योंकि फिर वो तीनों होते तो कुछ और नज़ारा होता। अशासकीय संकल्प में मैंने बहुत अच्छा बोला, मैंने इनको बताया कि साहब आपका क्या चला जाएगा, आज मैं विधायक हूँ, कल जो था आज नहीं है, आज जो है कल नहीं रहेगा, आज मैं विधायक हूँ जरूरी नहीं कि मैं कल भी रहूँ, ये समय है गुजर जाएगा, आपका कुछ जा नहीं रहा, केंद्र सरकार की योजना है, इंटर स्टेट कनेक्टिविटी का पैसा है, आप मुझे इसको आप भेज दें। और वहाँ से जो उत्तर आया, वहाँ से जो NH वालों ने उत्तर भेजा है, कहाँ गया, उन्होंने क्लियर कट ये भेजा है, जब विभागी को भेजा तो उन्होंने NHAI को भेजा। NHAI लिखता है मेरे दोनों प्रश्नों पर, मैंने, मेरा पहला था रीवा जिले के विधानसभा सिमरिया में नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की रोड कई वर्ष पूर्व घोषित थी, सतना सिमरिया बाईपास रिंग रोड होकर सिरमौर डभौरा शंकरगढ़ जाने वाले मार्ग के निर्माण के समय। दूसरा था नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया सिमरिया से मानिकपुर जाने वाला मार्ग जो उत्तर प्रदेश के जंगल में होकर खत्म हो जाता है, मानिकपुर शहर को नहीं जोड़ पा रहा है, इसमें 10-12 किलोमीटर अगर आप केंद्र सरकार को भेज दें तो वहाँ से अगर हल हो जाए तो इतना पैसा जो लगा है 39 करोड़ रुपए लगा है, सिमरिया से मानिकपुर जाके वो बॉर्डर में जंगल में ख़त्म हो जाता है, उसका कोई उपयोग नहीं। इसमें उत्तर आता है NHAI की तरफ से कि 2 राज्यों को जोड़ने वाली सड़क सतना सिमरिया सिरमौर तथा शंकरगढ़ 4 लेन चौड़ीकरण हेतु DPR निर्माण का कार्य, पिछड़ा क्षेत्र धार्मिक पर्यटन स्थल की परियोजना BRT बैकवर्ड एरिया रिलीजियस टूरिस्ट प्लेसेस में बनाई जा चुकी है, कार्यालय कटनी के अधीन DPR तैयार कराए जाने हेतु स्वीकृत किया गया था, किंतु भारत शासन के सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय यानी MoRTH जो मूल NHAI, देखिए केंद्र सरकार की सड़क की 3 है, मेन है विभाग MoRTH जिसको मिनिस्ट्री ऑफ सर्फेस एंड ट्रांसपोर्ट कहते हैं, यही जो मैं पढ़ रहा हूँ NH, और दूसरा है NHAI नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, तीसरा है NHAIDCL जो नॉर्थ ईस्ट में काम करता है। तो इन्होंने लिखा कि यह MoRTH को राज्यपाल के अनुदेशानुसार DPR स्थित में ही क्षेत्रीय कार्यालय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय भोपाल के निर्देशानुसार मुख्य अभियंता मध्य प्रदेश शासन लोक निर्माण विभाग राष्ट्रीय राजमार्ग परिक्षेत्र भोपाल मान NHAI भोपाल
चीफ इंजीनियर सरकार का पीडब्ल्यूडी के साथ दिनांक 21/6/19 को त्रिपक्षीय अनुबंध के माध्यम से हस्तांतरित किया जा चुका। अतः उक्त मार्ग की अद्यतन स्थित तथा सड़क से निर्माण से संबंधित जानकारी क्षेत्रीय कार्यालय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय भोपाल, यहाँ आर ओ बैठते हैं सेंट्रल के, उनके अंतर्गत चीफ इंजीनियर बैठते, ये तो और ही जीत। जब ये उत्तर आ सकता है तो वो उत्तर तो और बगल में वहीं ऑफिस थी, उस उत्तर को उसमें संलग्न नहीं किया गया। मुझे उत्तर तो मिला पर शाम को 7 बजे, उसमें कुछ भी नहीं था, उसमें अपने आप रूटीन में होना था वो हो जाना था, इनका इसमें कुछ लग नहीं रहा था। इसके बाद आता है अशासकीय संकल्प, उसमें मैंने इनसे काफ़ी अनुनय विनय किया, मैंने कोई ईगो नहीं किया, मैंने यहाँ तक कहा कि मुझे अपने सिमरिया के विकास के लिए, सिमरिया की जनता के लिए अगर आपके हाथ जोड़ने पड़ रहे हैं, आपके विनती करनी पड़ रही, मैं वो भी कर रहा, आप मेरे सिमरिया का विकास न रोकें। आप 230 में से 230 नहीं जीत सकते, अगर 2-4 हार गए हैं और उसमें भी 730 वोट से आप हार गए तो आप ये क्यों नहीं मानते कि सिमरिया की आधी जनता ने आपको वोट दिया है, आप सिमरिया का विकास क्यों रोक रहे हैं। तो यही गोलमोल उत्तर। फिर उसमें मंत्री जी का आपके पास स्पीच में है, पूरा आधे घंटे का है, जैसे कोर्ट चलती है ना, न्यायालय सुई की आवाज़ नहीं बोल रही थी, पूरा सन्नाटा था। शाम को मैंने अपना पक्ष रखा, मंत्री जी ने फिर अपना पक्ष रखा, फिर मैंने अपना पक्ष रखा, फिर मैंने बताया कि ये जब रीवा राज्य था 1853 में लॉर्ड डलहौजी ने पीडब्ल्यूडी की स्थापना की, फिर 1947 के बाद जब स्वतंत्र भारत हो गया, रीवा राजघराना था, गुलाब सिंह की खखरी मानिकपुर में भी थी, मानिकपुर से लेकर ये उनकी टेरिटरी थी, तब ये जंगली मार्ग हुआ करते थे, और उस जमाने के जो 13 सबसे पुराने स्टेट हाईवे थे उसमें रीवा सिमरिया मानिकपुर था, और वहाँ तक वो खुद जाया करते थे, तब जंगली मार्ग होते थे। बाद में यहाँ तक तो सिमरिया के जो यूपी बॉर्डर है वहाँ तक तो बना दिया गया, वहाँ भी थोड़ा बहुत जंगल थे, वो कट गए बन गए, अब यूपी में अपना जोर नहीं था। तो आप इसको, तो माननीय मंत्री महोदय जी ने कहा इसको हम इस आपस में सरकार से बात करके, हमने कहा बिल्कुल आपकी बड़ी कृपा होगी, तो बोले कि आप इस संकल्प को वापस ले सकते, ले लीजिए। उन्होंने कहा संकल्प वापस लेने को तैयार हैं, तो हमने कहा हाँ मैं इस संकल्प लेने को आपके आश्वासन पर तैयार हूँ कि आपके प्रयास से हमारा ये काम होगा। फिर हमने कहा कि दूसरे का क्या होगा, तो बोलने लगे कि उसमें ट्रैफिक डेंसिटी रोड की माल बहुत अच्छी है, ट्रैफिक डेंसिटी कम है। हमने कहा नहीं साहब, मैं इसका इसी विभाग में को समझता हूँ, ये इंटर स्टेट कनेक्टिविटी केंद्र सरकार की योजना, यहाँ कोई नहीं पूछने जा रहा है ट्रैफिक है कि नहीं, केंद्र सरकार का है कि एक राज्य से दूसरे राज्य को 4 लेन सड़क से जोड़ना है तो जोड़ना है, इसमें इसका कोई मतलब नहीं, आप इसका गलत उत्तर दे रहे हैं, आप इसको आप यहाँ के माध्यम से केंद्र सरकार को आप भेज दीजिए जो डिसीजन होगा। फिर वो बोलने लगे कि नहीं ये संभव नहीं, आप इसको वापस कर लीजिए। फिर माननीय हमारे विधानसभा अध्यक्ष महोदय ने कहा कि आप अशासकीय संकल्प को वापस ले रहे हैं कि नहीं, तो हमने कहा एक को ले रहा हूँ एक को नहीं, एक आपके भरोसे कि आप दो राज्यों से, तो बोले दोनों एक साथ होंगे तो दोनों होंगे नहीं तो नहीं। तो हमने कहा कि उन्होंने कहा एक लाइन में हाँ या ना में उत्तर दीजिए, तो हमने कहा ना, तो बोले तो फिर मतदान करा दिया जाए, तो मतदान में उनकी बहुमत संख्या ही है, तो उन्होंने उनके नेता ने जो प्रतिपक्ष में के थे उन्होंने इशारा किया ना, तो पूरे लोगों ने बोला ना, और हमारे लोगों ने बोला हाँ, हमारी संख्या कम थी, प्रस्ताव गिर गया। हमने उनको बताया कि साहब रीवा सिमरिया की रिंग रोड है, इससे अगर आप इसको जोड़ देते हैं तो हमारा चित्रकूट ये इतनी चीज़ों का फायदा होगा, और अगर आप कुछ नहीं कर सकते हैं तो इतना करिए कि सिमरिया बाज़ार में इतने से ट्रक निकलते हैं, ट्रक वालों से अवैध वसूली की जा रही है, नगर पंचायत सिमरिया द्वारा पिछले 3 वर्षों से आप सबको पता ही है विभागीय वसूली के नाम पर प्रतिदिन 3500 कटता है, ऐसा कैसे हो सकता है कि प्रतिदिन 3500 आए, और जबकि वहाँ 1,00,000 रुपये तक की वसूली है, ट्रक वालों से, दूध वालों से, सब्जी वालों से भयानक मारपीट की जाती है,
वसूली होती है, तो कम से कम ये ट्रक वाले भाई इससे आ जाएंगे तो आप हमको समझिए थाने के पीछे से वहाँ तक ये 15-15 करोड़ रुपए आप लुटा रहे हैं, तो हमें 8-10 करोड़ रुपए दे दीजिए तो हमारा ये काम। तो हाँ की जीत हो गई, ना की हार हो गई। मैंने उनसे कहा कि जनता सब देख रही है साहब आप क्या कर रहे हो सदन, मैं अपना कर्तव्य पूरा कर रहा हूँ, जनता सब देख रही। मैंने वापस इसलिए नहीं ले सकता कि मैं अपने जनता के सामने दोष का भागीदार नहीं बनूंगा, मैं अपने कर्तव्य को निभा रहा हूँ और आप हमारे सिमरिया की क्षेत्र की जनता से बदला ले रहे हो, सिमरिया की जनता जरूर इसका समय पर जवाब दे। एक ये था। दूसरा हमने विकास के और काम दिए थे। तीसरा हमने यहाँ पर पूर्वा प्रपात में एक पुलिस थाना खोलने के लिए हमने प्रपोजल रखा, वहाँ गौशाला भी है, पुलिस थाना वो भी है, इतने यात्री जाते हैं, बहुत सारे अराजक काम होते हैं जो लोग चर्चाओं में नहीं आते हैं, बड़े घरों के बच्चे जाते हैं वहाँ के साथ, मैं यहाँ चर्चा नहीं कर सकता कैसी कैसी घटनाएं होती हैं। मैंने उनसे निवेदन किया कि एक ये मैंने याचिका लगाई। चौथा मैंने एक और याचिका, ये तो मैंने शून्य काल में लगाया, एक मैंने याचिका लगाई जिसमें मैंने सिमरिया कॉलेज में संकाय खोले जाने हेतु कि हमारे यहाँ कॉलेज तो खुल गई, बिल्डिंग भी बन गई, लेकिन विज्ञान संकाय भौतिक रसायन जंतु विज्ञान वनस्पति विज्ञान गणित विषयों में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम नहीं है, और जो बीए तक के हैं और एक तो कॉमर्स नहीं, और जो बीए तक के हैं विषय इनमें कुल 3 टीचर और 10 फैकल्टी टीचर, 10 जो फैकल्टी टीचर हैं वो हमारे भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष की पत्नी, इसकी पत्नी, उसकी पत्नी, सब ऐसे लोग भरे हुए। आप सोचिए बच्चों का भविष्य क्या हो। हमने इनसे टीचरों की मांग की, हमने कॉलेज की बात की, हमने रिंग रोड की बात की, अपने दोनों उसकी बात की, फिर पूर्वा प्रपात की बात की। एक और चीज़ हमने मांगी थी, कहीं लिखा था ना, 5 चीज़ें थी, ये सब कल ही की चीज़ें। अभ्यावेदन लगाए हैं कुछ स्कूलों में उन्नयन करने के लिए, और कुछ हमारे अभ्यावेदन एक तो कल स्वीकार हुआ लेकिन उसको पढ़ा नहीं गया, पढ़ा हुआ माना गया समय की कमी के कारण। अभी मेरे बहुत सारी चीज़ें मैंने यही तो मैं वहाँ निवेदन कर रहा हूँ कि जब एक तरफ आपने लोक संपत्ति विभाग बना दिया, जब लोक संपत्ति विभाग नहीं था इसके पहले 2 साल पहले से एमपीआरडीसी उसकी नोडल एजेंसी, एमपीआरडीसी ऑक्शन करके ओपन ऑक्शन में बेच रही, उसने भी सही रेट पे बेचे, बहुत महंगी ज़मीनें बिकी, किसी ज़मीन की अगर उसने 3,000 रुपये स्क्वायर फीट लगाई है वैल्यू, तो आप यकीन करिए 1919,000 रुपये स्क्वायर फीट तक कंपटीशन होगी। तो इसके पहले जब ये 3-4 साल पहले ये जब शिवराज जी ने सरकारी संपत्तियों को बेचना चालू किया ओपन, इसके पहले से 10 साल पहले से ये पुनर्घरतीकरण योजना चल रही, तो जो बेचा तो बेचा। अब जब लोक संपत्ति विभाग बन गया तो उसको उस योजना पुनर्घरतीकरण योजना को पैरेलल रखने की जरूरत क्या है, उसको आप क्लोज करिए, और फिर अगर उसमें जो सदस्य बनाए हैं उसमें विधायकों को क्यों नहीं बना रहे, सबके सब विधायक भ्रष्टाचार में शामिल हो जाए तो बेच लो, नहीं तो कोई ना कोई तो होगा जो कहेगा ये गलत। मेरा ये यही तो मैं इसी बात की तो लड़ाई लड़ रहा। और आपका कुछ पूछ सर, ये कह रहा था कितना संख्या बल में, बाकी हमारे यहाँ तेज बहुत। मैं आपको बताऊं, एक सत्यदेव कटारे, वो क्या नाम है, हेमंत कटारे, हमसे बहुत जूनियर होगा, वो नेता उपनेता प्रतिपक्ष, 2 बार का विधायक, पहले 2.5 साल रहा फिर अभी रहा, मैं 3 चुनाव जीत चुका। मुझे मन में आया कि अरे ये हमसे भी बहुत जूनियर, ये तो क्या कर रहे हैं ये साहब। उस बच्चे का जो मैंने डिवोशन देखा, वो 3 रात 3 दिन से सोया नहीं, कल वो सोया, और जो प्रेजेंटेशन देता है, जो वो लड़ता है, जो उसके अंदर कैलिवर है, ये जरा से भी उसको नहीं दबा पाते। वो सत्यदेव कटारे का बेटा है, उसका ब्लड बताता है कि उसमें वो जिसके अंदर आग होगी उसको कैसे रोक पाएंगे। मैंने तो मान लिया कि मैं जो कर रहा हूँ मैं कुछ भी नहीं हूँ, मुझसे वो बहुत तेज। रामनिवास रावत जी, डॉक्टर राजेंद्र सिंह साहब का, इनकी स्पीच, इनकी नॉलेज, बाला बच्चन की नॉलेज,
हमारे यहाँ लोग तो अच्छे हैं, 10-15 बोलने वाले तेज, और बाकी अभी धीरे धीरे प्रैक्टिस में आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी में आप क्या मानते हैं, 4-5 लोगों को छोड़ दीजिए तो बाकी तो भगवान राम की बात करने के अलावा, राम राज मेरा मंदिर है इसलिए तुम लोग जलते हो, हम कुछ भी बोल रहे हैं, हम निर्माण की बात कर रहे हैं, वो मंदिर की बात कर रहे हैं, और हो के अलावा जैसे फौज बैठा रखी है वो 5-6 के अलावा 7वें का नंबर नहीं है कि कुछ बोल। अरे भाजपा में भी है अच्छे प्रवक्ता, गिरीश गौतम है, राजेंद्र शुक्ला अच्छे प्रवक्ता नहीं है क्या? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, सदन में इंटरेक्ट होते होंगे ना, आमने सामने बैठते हैं कभी दिखते हैं, वो अपनी जगह है, बाकी उनका सम्मान सदन के अंदर है, सबका मेरा सम्मान सदन के अंदर है। हम फार्मेट पे लड़ाई लड़ रहे हैं, हमारी कोई वैसी लड़ाई तो है नहीं कि हम युद्ध करने आए हैं, हम नियम कानून की सीमा में। आप तो सवाल है, सारे बजट आपने देखे सबका अवलोकन किया है, स्वास्थ्य विभाग में क्या कमी नजर आ रही है? स्वास्थ्य विभाग में, स्वास्थ्य विभाग में सबसे पहला आयुष्मान कार्ड का जो खेल है, आप जान रहे हैं पूरे नर्सिंग होम उसी से जिंदा है, 5 लाख तक का है आयुष्मान कार्ड में पकड़ के ले जाते हैं, जबरन उसको 1.5-2 लाख का बिल बना देते हैं, उल्टा उसको 2000 दे भी देते हैं कि दस्तखत कर जा, और एक काकस काम कर रहा है जैसे छात्रवृत्ति में काम कर रहा। फिर इनके हम मशीनों की सप्लाई, ये एक्सरे मशीन, ये इसमें इतना बड़ा खेल है पैसे का, फिर इनकी दवाई की सप्लाई, फिर इनके यहाँ स्टाफ डॉक्टर कुछ नहीं है, केवल हवा हवाई है, बिल्डिंग कर्ज के पैसे से बिल्डिंग बस ये बना देते हैं और बड़ी बड़ी रोज घोषणाएं करते हैं। अरे साहब 20 साल हो गया, 20 साल में सब कुछ बदल जाता है, आपको दिख नहीं रहा है? एक होता है प्रदर्शन करना, इवेंट मैनेजमेंट करना, जैसे वहाँ पटाखा विस्फोट हुआ कि नहीं हुआ हरदम, हम अगले दिन क्या 2 मिनट के लिए हमारे नेता पक्ष पर चिल्लाते रहे अध्यक्ष महोदय से कि साहब कुछ ना करें, 2 मिनट का इनका मौन रख लें, ध्यान ही नहीं दिए। अगले दिन जब अखबारों में हल्ला मचा, आप लोगों ने हल्ला मचाया, तो ऐसा लगा कि अरे राम राम, हमसे ज़्यादा दुखी कोई नहीं, कोई ऐसी एक्टिंग कर रहा, कोई ऐसी कर रहा, मैंने जो देखा, मैंने कहा कि आप लोग इवेंट कर रहे हो क्या, जैसे इवेंट हो, मतलब बिल्कुल जैसे नाट्य वो नहीं होता है, ये तो स्थिति। कलेक्टर एसपी पहले हटा दिए, ये सब हल नहीं है साहब, कलेक्टर एसपी हटा दिए, हम आपको बताते हैं इसका, 15 किलो तक का खुला बारूद का लाइसेंस देते कलेक्टर, 15 किलो तक का खुला बारूद पोटेशियम नाइट्रेट और कुछ चीज़ों को लेके बनाया जाता है, इसमें से आप कलेक्टर वगैरह दे देते हैं आदेश, और नारकोटिक्स विभाग है इसके बारे में किसी को जानकारी नहीं, जेल विभाग इसके बारे में किसी को जानकारी नहीं, MPB के अंदर की किसी को जानकारी नहीं, ये सब चलता रहता है, अधिकारियों की मिलीभगत है, इसमें कोई नेता इन्वॉल्व नहीं, ना भाजपा का ना कांग्रेस का, मिसरूल है सरकार में, पढ़े लिखे लोगों के मंत्री अच्छे अच्छे पदों में बैठने कमी है, अधिकारी राज 20 साल से चल रहा है, अच्छी मोटी कमाई है और लापरवाही। अब आप ये बताइए कि इतनी बड़ी घटना हो गई, ये दुकानों का स्टॉक चेक करने जा रहे हैं, अरे उसका नियम ये है कि बस्ती से इतनी दूर होना चाहिए, तुमने कितनों का लाइसेंस निरस्त किया है, कभी नहीं किया, एक कभी लाइसेंस निरस्त किया, कोई ऐसी कार्रवाई की कि मतलब मेन उद्देश्य हमारा क्या है, हत्या के बदले हत्या नहीं, किसी ने लापरवाही से किसी की जान चली गई, हम उसको फांसी में चढ़ा देंगे क्या होगा? पेटलावत कांड हुआ 4 दिन पहले, सभी आरोपी बरी हो गए कोर्ट में, सब अपने गवाही मैनेज कर ली, बरी हो गए जैसा भी होना, हम किसी को सजा दे क्या? हमारा उद्देश्य तो ये होना चाहिए कि हमारी ऐसे घटने की पुनरावृत्ति ना हो, यही है ना उद्देश्य, इसमें आपको लगता है कुछ हुआ बैटर ठंडा हो जाएगा खुद, तब यही तो होता आया है इस प्रदेश में। अबे जी बड़ा रिलेवेंट सवाल है, क्योंकि आप तमाम प्रदेश के मुद्दों की भी बात कर रहे हैं, लगता है नहीं कि प्रॉपर लड़ पाएंगे, क्या चुनाव लड़ेंगे आप? पर EVM माता है, अगर मोदी जी की और अमित शाह जी की आपस में डिस्प्यूट नहीं होता, जिसकी संभावना है, जब बड़े बड़े सत्ता गिर ढहे हैं तो तभी ढहे हैं जब अंदर से क्रैक्स आता, तो जो टोटल मैनेजमेंट है, और मैं तो कह रहा हूँ कि EVM माता जब तक हैं तब तक रहन दो,
साफ एक लाइन में मैं बता रहा हूँ, मैं बहुत सारी चीजें जानता हूँ लेकिन मेरा उसमें बस नहीं है, पर मैं जानता बहुत। विधायक जी अभी तो ईवीएम में ही आपने चुनाव लड़ा ना विधानसभा। मैं क्या बोल रहा हूँ आपसे, वो तो किस्मत है, प्रकृति क्या मैं वही बोल रहा हूँ, ईश्वरी कृपा है, 730 वोट से बच गया। हाँ ईवीएम पे ही लड़ा, मुझे आप यकीन करिए 22,000 वोट से जीतने की उम्मीद थी, जैसा मैंने कैलकुलेशंस किया था। और मैं अब आपको क्या बताऊं, क्या एक एक वोट में जानता हूं, मुझे खुद आश्चर्य है कि हो क्या गया। तब भी ईश्वर की कृपा थी, 730 वोट से मैं बहादुरी नहीं बता रहा, मैं ये बोल रहा हूं कि मैं बच गया। मैं ये शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं। मतलब फिर वैसी स्थिति में तो पार्टी चुनाव ही नहीं लड़ पाएगी। वैसे लड़ना नहीं चाहिए, लड़ना चाहिए, क्योंकि जिस तरह जब तक ये बैलेट पे नहीं होगा और जिस तरह से चल रहा चीजें, तो मुझे तो बहुत मुश्किल नजर आ रहा है। पार्टी ने अगर कह दिया कि लड़िए, अरे ये भाई किसी मान लीजिए कोई अच्छा से नाम लीजिए, मान लीजिए बिल्ली का कोई नाम ले लीजिए, कोई बिल्ली का नाम लीजिए, मतलब जैसे बिल्ली का नाम जो रखते हैं, हाँ कोई नाम बताइए, मान लीजिए जैसे जूली बिल्ली। अब अगर ये जूली बिल्ली को टिकट दे दिए तो ये एक नैरेटिव बना देंगे 3 महीने पहले कि जूली बिल्ली भगवान राम के सेवा में थी, इसकी जो सगी मौसी थी वो के की सेवा में थी, भगवान राम से इतना जुड़ी थी, और जूली के नाम पे ये इवेंट करा देंगे, जुलूस निकाल देंगे, माहौल बना देंगे कि पूरी जनता जूली के प्रति वो है, और जब रिजल्ट खुलेगा ईवीएम से तो आपको भी लगेगा कि जूली का माहौल तो आप लोग भी जूली बिल्ली का खेल खेल सकते हैं, आप लोग क्यों नहीं खेल रहे? नहीं, जब उनका समय था तब राजनीति में कुछ एथिक्स थे, सिद्धांत थे, मर्यादा थी, नहीं तब ज्यादातर वकील आते थे, संघर्ष करने वाले नेता आते थे, पत्रकार आते थे, ऐसे लोगों का राजनीति में जिनके कुछ वैल्यूज, उस जमाने में ये सब चीजें नहीं होती थी। ये अटल बिहारी वाजपेयी जी के टाइम तक आपने देखा कि एक वोट से सरकार चली गई, पर ये नहीं। पर अभी अभी इन 20 सालों में जो चीज हो गई है तो आप देख ही रहे। ये भाजपा है ना, उनकी व्यवस्था है उतने की, तो वो अपना नैरेटिव बना देंगे, धीरे धीरे करके बना दें। उनके पास एक रिसर्च एनालिसिस की टीम है, अपना सब बना लेंगे, उस हिसाब से ये नैरेटिव बना देंगे, राम मंदिर का उपयोग उसी में। और जैसे अभी लाडली बहना से अब कह देंगे राम मंदिर के नाम पर जनता ही, तो इंडिया। अरे साहब जब नैरेटिव से बाकी आप छोड़ दीजिए, मेरा ये कहना रिस्क लेने लायक नहीं है। अब मैं तो बहुत छोटा आदमी हूँ साहब, मैं बहुत छोटा आदमी हूँ, बड़े स्तर की बात है। और अगर इंसान भी पार्टियों में यूनिटी हो जाए ना, सब लोग एक हो जाएं, तो कुछ और हो जाए, लेकिन डिवाइड एंड रूल का फार्मूला तो अंग्रेजों के टाइम के पहले से चला आया है। विधायक की मेहनत आप कर रहे हैं, आपके बड़े नेता जो है वो तो जवाब देने से पीछे हटते हैं।